Subscribe and click the bell icon for all the television updates. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी मेरे सारे फैंस और इंडिया में जितने भी लोग हैं पूरे इंडिया वालों के लिए एंड आई होप कि आप सभी की जितनी भी विशेज़ हैं वो पूरी हो जाएं जिस तरह मेरी हुई हैं या हर इंसान की होती हैं। तो यार ये वाला जो त्यौहार है आई थिंक बॉम्बे में बहुत ज़्यादा उत्साह से मनाया जाता है। मतलब मैंने जो सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया एक त्यौहार वो दिवाली की है, बट यहाँ आके गणेश चतुर्थी का मैंने वो फील वो एक औरा देखा है। यार खाने पीने को बहुत कुछ मिलता था, स्पेशल चीज़ें आलू का हलवा, मीठा खाने को मिलता था, पूड़ी सब्ज़ी छोले की सब्ज़ी ये सब, तो वो एक चीज़ है जो यू नो आप जब त्यौहार आसपास आते हैं तभी आप इन्जॉय कर सकते हो। और हाँ लोगों से मिलना, दोस्तों से मिलना, घर वालों से मिलना, वो सब। ये सवाल पूछ के आप मुझे रुला दोगे क्योंकि मैं जितने भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब कोई फेस्टिवल आता है कुछ होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना सोचूं फैमिली के बारे में, क्योंकि एट दी एंड आपको फिर यू नो एक अजीब सी फीलिंग होती है कि आप चाह के भी कुछ कर नहीं सकते, सो वही फीलिंग होती है। हाँ वो मैं बस रंग में भंग गया। मेरी विश बस यही है जिस तरह हमारा शो चल रहा है उस तरह आगे भी चलता रहे, जितना लोगों ने प्यार किया है लोग उतना आगे करते रहें, बस ज़्यादा कुछ मांगना नहीं क्योंकि जितना कुछ चाहिए वो शायद मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे वॉट्सएप लगे।